वो फैसला तो कल अदम नहीं हुआ। अब अगर तफसीली फैसला आएगा तो ज्यादा से ज्यादा इस हवाले से आएगा ना कि जो FBR के हवाले से जो विड्रॉ किया गया है उसके हवाले से आएगा। नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इसमें सिर्फ एक ये डिफरेंस है कि जो पहले जो मेजॉरिटी फैसला था उसमें फैक्चुअल मैलिफिडेज की फाइंडिंग नहीं थी। उसमें ये कहा गया था कि सदर साहब ने अपने इख्तियारात से तजावज किया है, जो जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो सदर साहब को ऑर्डर करनी थी वो लॉ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दी और अकाउंटेबिलिटी के एडवाइजर ने ऑर्डर कर दी। तो इट वाज अ केस ऑफ लीगल मैलिफिडेज, नॉट फैक्चुअल मैलिफिडेज। मगर जो माइनॉरिटी का फैसला था वो उसमें अपना बाकर साहब के जैसे फैसले में, मंसूर अली शाह साहब के केस फैसले में, उसमें फैक्चुअल मैलिफिडेज की भी फाइंडिंग थी। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है, और शॉर्ट ऑर्डर इसलिए मैं कह रहा हूं तफसीली फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, शॉर्ट ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ जो FBR को हिदायत दी थी ओरिजिनल राउंड में, सिर्फ वो हिदायत विड्रॉ रिकॉल नहीं की, बल्कि जो रीजनिंग भी थी ओरिजिनल मेजॉरिटी फैसले में वो रीजनिंग भी रिकॉल की। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट की ये जो बेंच की अक्सरियत वो अब अपनी रीजनिंग देती है और कहती है कि ओरिजिनल राउंड में जो क्वाशमेंट हुई थी वो क्वाशमेंट थी फैक्चुअल मैलिफिडेज को, और इसलिए FBR को किसी किस्म की हिदायत नहीं दी जा सकती थी, तो फिर उसके नेचुरली बहुत ही संगीन उसके रिपरकशंस होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं कयूम आपसे ये जो डिवीजन की हमने बात की, हम क्विकली इसको टेकअप करते हैं, आप क्योंकि आप वहां रिपोर्ट करते रहे हैं। तो ये जो जिस तरह से बेंच की डिवीजन सामने आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता माइनॉरिटी जो है वो एक मेजॉरिटी में बदली, थोड़ा सा इसका हमें एक क्विक राउंड अप दीजिए हमारे नाजरीन को। आपने क्या देखा? रजा रूमी साहब देखा तो बहुत कुछ और जानते भी बहुत कुछ है। अब बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता है और बहुत कुछ कहा भी जा सकता है। कहें, कहें। तो जहाँ पे कुछ कुछ होता है वहां पे बताना भी जरूरी है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आप डिवीजन का लफ्ज इख्तियार कर रहे हैं, मैं जरा थोड़ा सा मुस्बत रिपोर्टिंग करते हुए इसको ये इसमें इख्तियार करूंगा लफ्ज कि दो लीगल अप्रोचेस हैं। एक है पॉपुलरिस्ट अप्रोच, एहतसाब सबका, और एक टिप्पे प्योरली लीगल अप्रोच है टुवर्ड्स दी टू लुक इनटू द इश्यूज। ये जो हमारे यहाँ एहतसाब सबका का जार्गन आया ना कि जिसके बाद कि हर आदमी चोर है और हर आदमी को सजा देने का, बिल्कुल ठीक है, एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन उसमें जो लीगल अप्रोच रखने वाले हैं उनके दरमियान और इस पॉपुलरिस्ट अप्रोच के दरमियान, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम इसको देखते हैं, ये होती है जुडिशियल जो अदालतें हैं उनके अंदर। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं इसको इन दो राय में तकसीम करता हूं, और फिर इन ये जो अप्रोचेस हैं इसके अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें पर्सनल भी हो गई हैं। पर्सनल इस हद तक हो गई हैं कि आप ये देखें कि काजी फैज ईसा साहब और उम्रता बंदयाल साहब की एलिगेशन, और अगर काजी साहब पहले एक महीना आ जाते तो काजी साहब चीफ जस्टिस होते, उम्रता बंदयाल चीफ जस्टिस ना होते, लेकिन फिर ये हुआ। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि साकिब निसार साहब ने जो अपॉइंटमेंट की, अब इसी बेंच के अंदर दो और जज साहबान भी बैठे हैं जिनमें एक जस्टिस याहिया अफरीदी और दूसरे जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब जस्टिस याहिया जो थे वो सीनियर मोस्ट थे, लेकिन उनको एलिवेट करने से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर को सिंध हाई कोर्ट से चौथे नंबर से उठा के आप लाके आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिठाया। इस तरह जस्टिस याहिया अफरीदी चार साल के चीफ जस्टिस होते, उनका टेन्योर दो साल का हो गया। ये चीजें भी देखने वाली है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान से एलिवेशन ही नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर दूसरी बात है कि इसके बाद हम ये देखते हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा, क्या कभी ये देखा है हमने कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट हो कि एक मामला एक जज के बेंच के सामने सब जुडिस है, जैसे मकबूल बाकर
जस्टिस काजी फैजी साहब के प्राइम मिनिस्टर फंड केस का, अभी उस पर जवाब नहीं आना, तो चीफ जस्टिस क्या किसी अदालत में हमने देखा कि वो मामला ही उठा के चीफ जस्टिस अपने पास रखे। फिर उसके बाद ये बात सामने आए कि जस्टिस मकबूल बाकर जो कि उस बेंच का हिस्सा थे उनको बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए और जस्टिस उमर अता बंदियाल को सॉरी जस्टिस काजी फैजी साहब को उस बेंच में बिठाएं और फिर उस बेंच में बिठा के प्राइम मिनिस्टर के बजाय जज के खिलाफ फैसला दें, ये भी हमने नहीं देखा था। हमने फिर ये और फिर जस्टिस हमने ये भी देखा कि फिर जस्टिस काजी फैजी साहब की तरफ से जजमेंट्स आए जिसके अंदर उन्होंने फिर क्वेश्चन किया इन चीजों को, ना सिर्फ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से बल्कि इस हवाले से भी कि जनरल मुशर्रफ का केस क्यों नहीं लगता, FCR का केस क्यों नहीं लगता, क्यों नेशनल लेवल के अहमियत के मुकदमात क्यों नहीं लगते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जहां पे लोकल बॉडीज का सिस्टम आता है, लोकल बॉडीज के ऊपर जो है वो मुकदमा बजाय इसके कि पंजाब के 50,000 लोकल बॉडीज के लोग जो हैं वो डिप्राइव कर दिए जाते हैं उनको एक स्ट्रोक ऑफ पेन से, वो मुकदमा भी जब फैसला होने के करीब आता है तो अचानक से वो अगले दिन पे के लिए मुलतवी होता है कि भी आप स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल करें, वो उसके बाद मुकदमा नहीं लगता और फिर लगता है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच के अंदर आके लग जाता है। तो ये सारी बातें ये नजर आ रही हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी एक जजमेंट आती है कि जहां पर टाई हो तो फिर लार्जर बेंच को मामला भेजा जाएगा, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल एक ऐसे केस के अंदर फैसला दे देते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ जुडिशियल अप्रोचेस के बाद जो हालात पैदा हुए वो फिर इस नहज पे पहुंचे और फिर जस्टिस काजी फैजी साहब के हवाले से जो हालात बने हैं, जिस तरह की डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, जिस तरह के इकदाम किए जाते रहे हैं, उसने फिर बहुत और फिर हद तो यहाँ पे हो गई कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन में एक ऐसा ऑर्डर जो कि अभी अंडर रिव्यू है उसका आउटकम आप अदालती फैसले का हिस्सा यानी FBR की रिपोर्ट को अदालती फैसले का हिस्सा बनाने के लिए बेंच के सरबरा और उनके साथ एक दूसरे जज साहब मुनीब अख्तर साहब वो बाकायदा तौर पर इस हद तक तुल जाएं कि काजी फैसा को ये कहना पड़े कि अपना उमर अता बंदियाल साहब आप फिर जो है इस केस के अंदर मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट बन जाएं क्योंकि आपका ये अमल जो है ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट के खिलाफ है। तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि जजेस जो है ब्रदर का लफ्ज ब्रदर जजेस का इस्तेमाल होता है, ये जो मुसलसल एलिवेशन से लेके और फिर मुकदमात के डिस्पोजल तक जो कुछ हो रहा है जिस तरह से इन सारी चीजों को जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन भी रहेगी और इस डिवीजन का फायदा फिर बाहर के इदारे उठाएंगे, जैसा कि इस डिवीजन का फायदा उठा करके ये जस्टिस काजी फैजी साहब के खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया गया जो कि प्योरली मेलाफिडे के ऊपर।